गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स की लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, ओके। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। देखो, कुछ जो प्रोसीजर है वो दोनों में डाइजेशन का सेम ही रहता है, ओके। कुछ डिफरेंट होता है। वैसे तो डाइजेशन मतलब वो भी, हमारे ह्यूमन बींग्स भी वेल डेवलप्ड थे, एनिमल्स भी, हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स भी क्या होते हैं, वेल डेवलप होते हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो सम प्रोसीजर इज सेम, ओके। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट एनिमल शोज एनिमल्स सच एज काउज, बुफेलोज एंड गोट्स च्यू कंटिन्यूसली। कि जो हम आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो हमारी काउज हैं, बुफेलोज हैं, गोट्स हैं, वो क्या करती रहती है, कंटिन्यूसली चीव करती रहती हैं। एक्चुअली दिस एनिमल्स मतलब चबाती ही रहती है कंटिन्यूसली, वो चलता रहता है उनका। एक्चुअली दिस एनिमल्स बाइट ऑफ देयर फूड। कि वो क्या करते हैं, बाइट ऑफ देयर फूड, के फूड को ईट कर लेते हैं। चीव इट ए लिटल एंड क्विकली सेल्फ स्वेलो इट। कि जब वो बाइट लेते हैं अपने फूड की, तो फटाफट उसको क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी चीव कर लेते हैं उसको। चीव मतलब चबाते बहुत, चीव का भी नहीं क्या होता चबाना, तो चीव इट ए लिटल, कि लिटल अमाउंट में उसको क्या करते हैं, चीव एंड क्विकली स्वेलो इट, और उसको जल्दी से जल्दी क्या कर लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं। बट इन एनिमल्स के अंदर क्या कैपेसिटी होती है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कि जो उनके अंदर जो फूड जा चुका है, यानी जिस फूड को वो क्या कर चुके हैं, स्वेलो कर चुके हैं, तो उस फूड को वापस से कहाँ, स्टमक से बैक इनटू द माउथ, कि स्टमक से बैक कहाँ लेके आते हैं उसको, वो माउथ के अंदर लेके आ सकते हैं एंड चीव इट एट ए सेकेंड टाइम। और क्या, दोबारा से फिर वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, चीविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। एंड इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स, ओके। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। क्या होती है रूमिनेशन, देखो दोबारा से, कि आपने कई बार जो काउज हैं, बुफेलोज हैं, गोट्स हैं, उनको क्या देखा होगा, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं हमारे, उनको आपने देखा होगा कि वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, चीविंग करते रहते हैं, मतलब अपने फूड को चबाते रहते हैं, ओके। लेकिन ये तो है ना कि वो हर टाइम वो फूड भी ईट कर रहे हैं, मतलब फूड ना, मतलब फूड ईट ना करते टाइम भी वो क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली चीव करते रहते हैं। तो उनके अंदर ऐसी क्या एबिलिटी होती है कि वो कंटिन्यूसली चीव करते रहते हैं, वो क्या करते हैं कि जो वो फूड ईट कर रहे हैं, ठीक है, ईटिंग के बाद, उस फूड की ईटिंग के बाद वो क्या करते हैं, मतलब जो, मतलब फट वो जल्दी जल्दी वो ईट कर रहे हैं, ईट करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली ईट करते जा रहे हैं, लेकिन उसको बिना चीव किए, मतलब अच्छे से चबाए बिना, उसको क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट अपने स्टमक के अंदर लेके चले जाते हैं। तो अंदर लेके जाने के बाद स्टमक से वापस क्या करते हैं, जब उनके पास इनफ टाइम होता है, तो दोबारा से वो क्या करके, मतलब जो रेस्ट पे होते हैं, तो दोबारा से उस फूड को स्टमक से बैक किसके अंदर लेके आते हैं, माउथ के अंदर, और उसको चीव करते हैं सेकेंड टाइम, दोबारा से फिर उसको चीव करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। और जो एनिमल्स ऐसा करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मेनली ईट ग्रास एंड लीव्स विच आर रिच इन सेलुलोज। इस फूड के अंदर जो फूड वो ईट करते हैं, मैक्सिमम ग्रास को ही ईट करते हैं, या फिर ग्रीन प्लांट्स को, मतलब लीव्स वगैरह को ईट करते हैं वो मोस्टली, तो उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज। क्या प्रेजेंट होता है मैक्सिमम अमाउंट में, सेलुलोज। सेलुलोज क्या, आपकी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं, कि जो इजिली क्या ना उसके ब्लड के अंदर, मतलब ब्लड के अंदर इजिली एब्जॉर्ब ना हो उसके, पहले उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हमें किसमें, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद इजिली ब्लड क्या कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके। तो मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। की कुछ एनिमल्स तो हमारे डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते सेलुलोज को, ओके। लेकिन जो कुछ हमारे प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं उनके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं किसको, सेलुलोज को, ओके। तो देखते हैं हम इन रूमिनेंट्स के अंदर डाइजेशन कैसे होती है। तो देखो यहाँ पे कि सम एनिम की, वैसे तो हम सब इंजेशन के लिए फर्स्ट प्रोसेस कौन सी है, इंजेशन, न्यूट्रिशन के अंदर। तो इंजेशन के लिए वैसे तो ऑलमोस्ट एनिमल्स किसका यूज़ करते हैं, फूड किसके थ्रू इंजेस्ट करते हैं, माउथ के थ्रू। लेकिन कुछ जो हमने जैसे ह्यूमन बींग्स में रीड किया था कि इनसीजर कैनाइंस वगैरह प्रेजेंट थे, टीथ प्रेजेंट थे, लेकिन कुछ एनिमल्स के अंदर क्या होता है, रूमिनेंट्स में कोई भी इनसीजर प्रेजेंट नहीं होता, ओके। कोई भी इंसिजर प्रेजेंट नहीं होता, कि इसमें अपर जा में, ऊपर वाला जो जा होता है अपर जा में नहीं होता, लोअर जा में प्रेजेंट होते हैं, ओके। इंस्टेड दे हैव ए थिक हार्ड स्किन कॉल्ड द डेंटल पैड। उसकी जगह उनके इंसिजर की बजाय उसमें क्या होता है, एक थिक हार्ड स्किन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंटल पैड। फिर वही प्रोसेस होती है, डेंटल पैड की हेल्प से वो क्या करते हैं, ग्रास को चीव करते हैं,
चीव करने के बाद उसको कट करते हैं, चीव करते हैं, चीव करने के बाद जो टंग उसके अंदर जो माउथ है, माउथ के अंदर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती हैं, सलाइवरी ग्लैंड क्या करती हैं, सलाइवा सिक्रीट करती हैं। तो फूड हमारा किसके साथ है, सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, टंग की हेल्प से क्या हो जाता है, स्वेलोड मतलब अंदर चला जाता है। ओके, द ब्रोकन ग्रास देन एंटर्स द फूड पाइप विच लीड्स इन टू द स्टमक। कि जो हमारा देखो फर्स्ट यहाँ क्या था, माउथ, माउथ में क्या गया, ग्रास गई, यहाँ किसके साथ मिक्स हुई, सलाइवा के साथ। ओके, सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद टंग की हेल्प से वो कहाँ चली गई, सीधी स्टमक के अंदर। ओके, ईसोफेगस के थ्रू फूड पाइप, ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं, तो फूड पाइप के थ्रू कहाँ जाएगी, स्टमक के अंदर। एंड नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइजेशन। तो डाइजेशन हमारी कितने टाइप्स की, मतलब डाइजेशन के लिए सिर्फ डाइजेशन इसकी किस में होती है, मतलब स्टमक में ही स्टार्ट होती है डाइजेशन हर एक ह्यूमन बींग्स की भी। तो डाइजेशन में जो हमारा स्टमक है, रूमिनेंट्स का जो स्टमक है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर पार्ट्स में। ओके, फर्स्ट है रूमेन, सेकेंड है रेटिकुलम, थर्ड है हमारा ओमैसम और फोर्थ हमारा एबोमैसम। ओके, तो फर्स्ट हमारा रूमेन, मतलब फोर पार्ट्स में स्टमक को हमने क्या कर दिया, फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे रूमेन के बारे में। द स्वेलोड फूड फर्स्ट गोज इन टू द रूमेन। ओके, देखो यहाँ से आके ये जो हमारा ये आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, क्या हमारा रूमेन, किसका पार्ट है, ये स्टमक का। ओके, फर्स्ट पार्ट। तो फूड क्या कर जाता है, ये ब्राउन ब्राउन कलर अलग से दिख ही रहा है, ये सारा क्या है, रूमेन। तो फर्स्टली जो फूड है वो कहाँ एंटर करता है, रूमेन के अंदर। रूमेन क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है स्टमक का। ओके, लार्जेस्ट चैम्बर है किसका, स्टमक का, जो फोर में से सबसे लार्जेस्ट कौन है, रूमेन। ओके, दस रूमिनेटिंग एनिमल्स कीप ईटिंग टिल द रूमेन इज फुल। कि वो कंटिन्यूसली कब तक ईट करते रहते हैं, जब तक उनका रूमेन फिल नहीं होता। सेलुलोज प्रेजेंट इन द ग्रास इज ब्रोकन डाउन इन टू सिंपल शुगर्स बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूमेन। कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कब कन्वर्ट होते हैं, पहले बोला था हमने किसकी हेल्प से होती है, कुछ बैक्टीरियाज की हेल्प से, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूमेन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा हमारे रूमेन स्टमक का, रेटिकुलम। ओके, जो रूमेन के बाद हमारा जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, जो मतलब कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुआ, पार्शली का मीनिंग क्या होता है, हाफ, तो वो फूड हमारा कहाँ एंटर करता है, रेटिकुलम के अंदर। हेयर फूड इज फर्दर सॉफ्ट एंड, कि दोबारा से उसको फूड को क्या किया जाता है, सॉफ्ट बनाया जाता है। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड द कड, कि हम उसको क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं, जो पार्शली डाइजेस्ट फूड होता है हमारा। द रेटिकुलम हेल्प्स इन मूविंग द कड बैक इन टू द माउथ, कि रेटिकुलम से ही हमारा कहाँ तक आता है, वापस फूड ग्रास है जो कहाँ तक आता है, माउथ तक आता है। द एनिमल्स देन चीव द कड और रूमिनेट्स, कि एनिमल्स क्या करते हैं, दोबारा से उस कड को दोबारा से चीव करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज जो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना इतना ईजी नहीं होता। थर्ड पार्ट क्या हमारा, ओमैसम, कि जो हमारा दोबारा से फिर हमने फूड को चीव कर लिया तो वो फर्दर किसके अंदर एंटर कर जाता है, सेकंड टाइम चीव होने के बाद, ओमैसम के अंदर। हेयर एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन द फूड इज एब्जॉर्ब, कि जितना एक्सेस उसमें वाटर प्रेजेंट है उसको सारे को क्या कर लिया जाता है, ओमैसम में एब्जॉर्ब। ओके, एबोमैसम क्या है, हेयर द फूड मिक्सिस विद द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ एबोमैसम, कि जो हमारा सारा डाइजेस्टेड फूड है वो किसके मिक्स हो जाता है, किसके साथ, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन के बाद कौन सी प्रोसेस होती है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या था, द मिक्सिंग ऑफ द डाइजेस्टेड फूड विद ब्लड, कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो किसके साथ मिक्स हो जाता है, ब्लड के साथ। द इंजेस्टेड फूड पासिस इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी द डाइजेस्टेड फूड पासिस इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर फर्दर डाइजेशन टेक्स प्लेस, कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट हो चुका है, कहाँ से, स्टमक के लास्ट पार्ट से, वो कहाँ तक जाता है हमारे, स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर चैम्बर में, सॉरी एबोमैसम में। हियर द फूड मिक्सेस विद द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फर्दर क्या होता है कि डाइजेशन फर्दर से फिर दोबारा से स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या होता है कि डाइजेस्टिव जूसेस कौन कौन से, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा सेम ही था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी ग्लैंड्स पार्टिसिपेट कर रही थी, एक तो थी हमारी लीवर एंड सेकंड थी हमारी पैनक्रियाज। लीवर कौन सा जूस सिक्रीट करती है, डाइजेस्टिव जूस, और पैनक्रियाज कौन सा जूस, पैनक्रियाटिक जूस, जो क्या करते हैं, फर्दर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, तो जितने भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स फॉर्म होते हैं वो सारे डाइजेस्ट, मतलब
सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट प्रोसेस है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसफर टू वेरियस ऑर्गन्स, कि जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स वहाँ से एब्जॉर्ब किए उनको ट्रांसफ़र करना कहाँ तक, बॉडी के हर एक पार्ट तक, वो होता आपका एसिमिलेशन। तो ये तो सेम ही है हमारा जैसे ह्यूमन बींग्स में था। नेक्स्ट फिर डाइजेशन, कि जो हमारा डाइजेशन डाइजेस्टेड फूड एंटर कर जाता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ से हम जो मैक्सिमम वाटर प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रह चुका है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, एनस के थ्रू कहाँ चला जाता है, बॉडी से बाहर। ओके, तो फर्स्ट देखो इसमें प्रोसेस होती कैसे है रूमिनेंट्स के अंदर। माउथ, ओके, माउथ से फूड कहाँ गया, ये सोफेगस यानी फूड पाइप के अंदर। उसके बाद र्यूमेन में, र्यूमेन का था फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक, देन रेटिकुलम सेकंड पार्ट ऑफ स्टमक, देन ओमैसम, सॉरी रेटिकुलम से वापस कहाँ चला जाता है, वो माउथ के अंदर। ओके, तो माउथ से फिर डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, वो ओमैसम में, मतलब जाता तो इसी प्रोसेस से है लेकिन डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, ओमैसम में। ओमैसम के बाद एबोमैसम, एबोमैसम से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, एनस से फिर क्या हो जाता है, वो वेस्ट आउट। ओके, एनिमल्स सच एज हॉर्सेज एंड रैबिट हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कीकम, कि कुछ इनका स्ट्रक्चर हमारा सैक लाइक, मतलब जैसे स्टमक होता है सब बड़ा सब प्रेजेंट होता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट द जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे दो हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन मीट हो रही है और स्मॉल इंटेस्टाइन मीट हो रही है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। द कीकम कंटेन्स सर्टेन बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन सेलुलोज, इसके तो स्टमक में प्रेजेंट था लेकिन वहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करनी है, मीट करनी है। ओके,